नमस्ते, वेलकम टू दिस एपिसोड। मैं घर में वीडियो बना बना के बोर हो चुकी हूँ, तो मैं गाड़ी में गई थी वीडियो बनाने और फिर वहाँ पे मैंने पसीने में नहा लिया, तो मैं अभी छत पे आई हूँ। इस चीज़ का क्या कोई पॉइंट है? नहीं, बट क्या मैं ये करूँगी? हाँ। कमिंग बैक टू द एक्चुअल वीडियो, इस शक्ल को देख के लगता है कि एक्चुअली क्वालिफाइड है एजुकेशनल एडवाइस देने के लिए, बट क्या मैं आपको एजुकेशनल एडवाइस फिर भी दूंगी? हाँ, एज अनबिलीवेबल एज इट साउंड्स, मेरे 10th में 94% आए थे और मेरे 12th में 96% आई थी। Fucking nerd. I assure you, मैंने मेरे पेपर में आंसर की जगह 500 के नोट नहीं चिपकाए थे। तो फिर आए कैसे इतने? I'm not gonna lie to you, मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी क्लास में ध्यान नहीं दिया है। मेरी सारी पढ़ाई 2 महीने पहले एग्जाम से पहले होती थी। 9th ग्रेड में I was the worst student ever. मेरे मैथ्स में कुछ 29 मार्क्स आए थे, 1.5 मार्क से पास हुई थी मैं। It was so frustrating. सब साले नोट्स पढ़ते थे, टाइम टेबल्स बनाते थे, आंसर्स डिस्कस करते थे, एंड I swear to God, I had no idea what they were talking about. पता नहीं एक सडन ट्रांजिशन आ गया था 9th 10th में, जब पता नहीं सब पढ़ रहे थे और मैं I don't know मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो सारे बच्चे टाइम टेबल बना रहे थे क्लास में, उनसे मैंने एक टाइम टेबल चुरा लिया और बस तब से हो गई मैं चालू। और वो जो 2 महीने मैंने वो टाइम टेबल को घिसा है ना भाई, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। माई लाइफ वॉज प्रीटी शिटी देन, मैं लिटरली सिर्फ पढ़ रही थी, एंड ऑल दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर मैंने पूरा साल पढ़ा होता तो। बट क्या मैं पूरा साल पढ़ूंगी? नहीं। दिनों तक मैं पागल जैसे पढ़ रही थी, क्योंकि 2 महीने में पूरा साल की पढ़ाई करनी थी ना। आई सॉल्व्ड अ बंच ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, बॉट अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक्स, एंड मैंने NCERT की टेक्स्ट बुक तो पूरी चार्ट ली थी। एंड टू माई सरप्राइज, मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरे 94% आए थे 10th ग्रेड में। मैंने इतने मार्क्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे यार। बट अगर तुम अपने 9th या 10th ग्रेड के एग्जाम दे रहे हो, तो आई'd लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू Unacademy Combat. इट इज अ गेमिफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकली टू असिस्ट यू इन योर 9th एंड 10th CBSE प्रेपरेशन। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे होगी, विद द बेस्ट क्वेश्चंस मेड बाय इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स। इसके साथ साथ तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, एंड व्हेन योर टेस्ट इज डन, यू कैन आल्सो सी योर ऑल इंडिया रैंकिंग एंड स्कोर विद अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। मैंने इतने पैसे देखे नहीं है। Unacademy Combat इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हेल्ड एवरी वीक। द नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन द 11th ऑफ जुलाई सुबह 11 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करो और प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन Unacademy, यू कैन यूज माई अनलॉक कोड Malika10 off, enroll for free and experience karo is platform. Oh, also Unacademy Plus lets you attend live classes. You can also access recorded classes and even download them offline. With the Ask a Doubt feature, you can additionally get your doubts cleared. Unacademy has classes with more than 12 languages where you can interact with your teachers, take live polls, etc. Get access to all of these super cool features with an Unacademy Plus subscription. Apni classes apne ghar se attend karo, apne schedule ke hisab se attend karo aur apne favorite teachers ke sath attend karo. And again, you can also get a 10% discount on the subscription with my coupon code. डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो। जब से मेरे 10th में 94% आई थी, तब मेरा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया था। 11th और 12th में आई डिडंट मेक द सेम मिस्टेक एज 10th ग्रेड। मैंने पूरा साल थ्रू आउट पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट 2 महीने में पढ़ना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, एंड इट्स ईजियर टू स्टडी थोड़ा थोड़ा पूरा साल instead of learning everything at the end. मैं usually ऊपर से पढ़ती थी और अंडरस्टैंड करती थी, और एग्जाम्स के टाइम में I'd actually learn and know how to write my answers. अगर तुम इस वीडियो से कोई ऐसी स्कीम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 महीने में पैसा डबल, तो ये वो नहीं है। सबको मेहनत और स्मार्ट वर्क से दूर भागना है, बट बिना उसके नहीं होएगा। तुम ओवरनाइट इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं एक्सपेक्ट करते हो। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक पढ़ के क्या कर रहे हैं, ग्रेड्स डोंट मैटर, वी डोंट गिव अ फक। व्हेन यू डू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एफिशिएंटली, यू लर्न अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स विद दैट। हाँ, तुम्हें अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बट तुम उससे बेटर टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो, तुम उससे स्मार्टली कैसे काम करना है वो भी ज्यादा सीखते हो। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई लर्नड बेटर टाइम मैनेजमेंट, आई लर्नड हाउ टू मेक स्केड्यूल्स, एंड आई लर्नड हाउ टू फॉलो देम एंड हिट माई गोल एवरी टाइम। एक और चीज़ विच हेल्प मी अलॉट इज, जब मैं पुराने साल के बहुत पेपर्स मैंने देखे, तो मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आते हैं यूजुअली। जब मैंने इतने सारे पेपर सॉल्व कर दिए थे, तो जब मैं एग्जाम्स के पहले भी फाइनल जो स्टडिंग करती थी, मुझे पता था कि ये टॉपिक पे मुझे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। यूजुअली जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स जो सॉल्व वाली आते हैं, उसमें टॉपर्स के आंसर्स भी होते हैं, और या फिर जिस कंपनी ने बनाई है उनके आंसर्स होते हैं। तो जब मैं वो टॉपर्स के आंसर्स पढ़ती थी, तो मुझे पता चल गया था कि व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। अगर मुझे 5 मार्क के लिए एक आंसर लिखना है, तो मुझे उसमें पहले डेफिनेशन लिखनी है,
फिर उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं और फिर एक कंक्लूजन देना है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मेनी पीपल मेक इज वो पढ़ के सब जाते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता है कि आंसर में साला लिखना कैसे। मैंने जब मेरे 9th ग्रेड में इतने कम मार्क्स देखे थे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी एंड आई डिडंट वांट माय सेल्फ टू बी लाइक दैट। I know that grades don't matter shit. I know that I'm in a film school and मेरे को 96% से कुछ नहीं हुआ मेरा, ठीक है। बट मुझे अब वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि मैंने पूरा साल मेहनत की, मेरे 96 आए एंड आई डिजर्व दैट। बट अगेन इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ 96%, इट्स अबाउट मैंने उससे क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। एंड आई डोंट मीन वो बुक वाली नॉलेज की ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा वो सब नहीं। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हम बहुत पढ़ेंगे और फिर आ ही जाएंगे मार्क्स। बहुत पढ़ना इज नॉट द ओनली फैक्टर, स्मार्ट पढ़ना इज ऑल्सो अ फैक्टर। ओ एक सेकेंड, पर तुम्हें क्या करना है इस सब का? तुम तो पेंडेमिक की वजह से पास हो गए ना।